हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिनल। फाइन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है कश्मीर के बारे में। हम लोग कश्मीर विंटर जनवरी में गए थे और बहुत ही खूबसूरत था। जिसे हम लोग कश्मीर जाते तो बहुत कुछ सुनते हैं कि कश्मीर ऐसा है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ पर ये होता है, वो सब कुछ। तो मेरी तरफ से भी आप बहुत कुछ सुनने वाले हो। मैं आपको कश्मीर में क्या स्कैम होता है, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती है, उससे हम लोग को बचना चाहिए, वहाँ पर क्या क्या फ्रॉड होता है और वहाँ पर क्या कोर्ट करते हैं और हम लोग को कितना पे करना है, वो सब कुछ बताने वाली हूँ। जैसे कि आपको बता दो कि फॉरेनर्स आते हैं तो इंडियन रोक के से फॉरेनर्स को ज़्यादा पैसे बताते हैं या फिर लूटने का प्रयास करते हैं। वैसे कश्मीर के बाहर के जो लोग आते हैं वैसे कश्मीर के लोग करते हैं, मतलब 100 रुपये की चीज़ को 2000 3000 ऐसे कुछ भी बताएंगे। तो क्या क्या करना है हम लोगों को, वो सब कुछ बताने वाली हूँ मैं आज के वीडियो में। फर्स्ट है पहलगाम। हम लोग पहलगाम, सोनमर्ग, गुलमर्ग और श्रीनगर गए थे। पहलगाम से स्टार्ट करते हैं। पहलगाम में दो तरीके हैं घूमने के, एक है हॉर्स और दूसरा है टैक्सी स्टैंड, जहाँ से सभी टूरिस्ट प्लेसेस के लिए टैक्सी मिलती है, जो पूरे कश्मीर में वहाँ पर ही टैक्सी स्टैंड का फिक्स प्राइस है, जिसमें कुछ भी बार्गेनिंग नहीं होता और कुछ भी फ्रॉड नहीं होता। दूसरा, हमारे जो कैब वाला है वो हम लोगों को लेके गया घोड़े वाले के पास। तो हम लोगों ने, मम्मी पापा होने की वजह से और हम लोगों ने वीडियोस देखी थी माउंटेन के ऊपर बहुत सारी बर्फ और वो कीचड़, वो सब, इसमें हम लोगों को रिस्क नहीं लेना था मम्मी पापा के साथ, इसलिए हम लोगों ने वो स्किप किया। पूरे कश्मीर में हम लोगों ने घोड़ा नहीं, लेकिन हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन निकाली है। तो फर्स्ट हम लोग गए तो घोड़े वाले को पास ही हम लोग को कैब वाला लेके गया। कैब वाला 7-8 साल से कश्मीर का टूर कर रहा था और उसे टैक्सी स्टैंड का पता मालूम नहीं था। घोड़े वाले के पास लेके गया, लुघड़े वाले ने हम लोगों को बोला ये ले लो, उसको बोला कि हम लोग को नहीं करना है, तो वो सुन ही नहीं रहा था, या ये घुमाऊंगा मैं, वो घुमाऊंगा। तो आपको पहलगाम में घोड़े वाले को सिर्फ 500 रुपीज देने हैं, उसी के साथ साथ वो आपको कोई भी बोले कौन से भी पॉइंट घुमाऊंगा, लेकिन सभी पॉइंट फेक होते हैं वहाँ पर। कुछ भी पॉइंट पर आप प्लीज़ बिलीव मत करना, और वहाँ पर आपको 4 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर घुमाएंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। जो ड्राइवर वाले होते हैं बाहर के, जो टूरिस्ट वाले, आपकी फिर जम्मू कश्मीर की गाड़ी हो या सिर्फ कश्मीर की हो, उनका वहाँ पर कमीशन होता है, तो उसके लिए हमारे ड्राइवर हम लोग को बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, लेकिन आपको उसमें ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। हम लोगों ने गूगल मैप किया, हमारा ड्राइवर तो गुस्सा हो ही गया था। हम लोग टैक्सी वाले के पास गए, टैक्सी वाले को फिक्स प्राइस का हम लोगों ने पैकेज लिया, जिसमें था चंदनवाड़ी, बेताब वैली और आरू वैली। तो ट्रिप स्टार्ट हुई, फर्स्ट हम लोग गए आरू वैली, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। आरू वैली के आगे भी 6 पॉइंट है, तो वो घूमना नहीं है, वहाँ पर भी घोड़े वाले, स्लेज वाले और स्कीइंग वाले आपको मिलेंगे। आरू वैली ही घूम लो, जो पॉइंट ऐसा पूरे कश्मीर में कहीं भी नहीं है, वहाँ पर आपको सिर्फ नेचर ब्यूटी ही देखने के लिए मिलेगी। और फिर उसके बाद हम लोग गए चंदनवाड़ी, जहाँ पर 2 किलोमीटर पहले ही हम लोग को उतार दिया। पूरे कश्मीर में यूनियन बाजी बहुत है, आपको किसी भी प्लेस पर आखिर तक नहीं छोड़ेंगे, बोलेंगे वहाँ पर जो गांव वाले हैं उनको कमाई करनी रहती है, तो वो बोलेंगे कि हमारे घोड़े से जाओ, हमारे स्लेज से जाओ, हमारे कार से जाओ, जो दूसरे टूरिस्ट की कार होती है वो रुका देते हैं। तो हम लोगों ने चंदनवाड़ी में भी वहीं पर घूमा, आगे नहीं गए। उसके बाद हम लोग गए बेताब वैली। बेताब वैली का नाम बेताब वैली इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पर बेताब मूवी की शूटिंग हुई थी, और वो माउंटेन से नीचे जाना होता है, वहाँ पर एंट्री टिकट है 100 रुपीस, ऊपर से ही बहुत खूबसूरत दिख रहा था। और आरू वैली और चंदनवाड़ी देखने के बाद वो आपको सोसो ही लगेगा, तो हम लोगों ने वो स्किप किया था, हम लोग थक भी गए थे वो दोनों चीज़ें करके करके। तो उसके बाद आपको पहलगाम में केशर लेनी है, क्योंकि वहाँ पर केशर की खेती होती है बहुत बड़े पैमाने में, और आपको ओरिजिनल केसर वहाँ पर मिलेगा, ड्राई फ्रूट मिलेगा, और आपको बेट भी वहाँ पर मिलेगी, मैन्युफैक्चर वहाँ पर बेट बहुत होती है। तो बहुत ही खूबसूरत है पहलगाम, और बाकी कहीं से भी आप केशर बिल्कुल भी मत खरीदो। और ड्राई फ्रूट हमारे 1.5 महीने बाद ख़राब हो गए थे, तो 1 महीने के अंदर वो ख़त्म करने का आप ट्राई कीजिए। उसके बाद आता है श्रीनगर। श्रीनगर भी बहुत खूबसूरत जगह है, और श्रीनगर जाते हो तो आपको हाउस बोट में रुकना ही है, क्योंकि वो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन आपके साथ वहाँ पर फ्रॉड ना हो इसलिए आप ऑनलाइन ही बुकिंग कीजिए। वहाँ पर आप जाएंगे तो आप एजेंट
किसी को पूछेंगे तो वो अपने आप से एजेंट बन जाता है। 1200 से 1500 से रूम स्टार्ट होती है जिसमें ब्रेकफास्ट और डिनर भी मिलता है। तो आप ऑनलाइन बुक करके जाओ, एजेंट को बीच में से हटा दो, क्योंकि आपको 1200 की रूम शायद से 2000-2200 तक मिल जाएगी, ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए ऑनलाइन ही बुक करना। उनको कॉल करके या फिर ऑनलाइन ही चेक करना कि आपको शिकारा की पिकअप की और ड्रॉप की सर्विस है कि नहीं, क्योंकि लेक के बीच में हाउस बोट होती है, आपको बोट से ही जाना पड़ता है। तो वो नॉर्मली देते ही है, लेकिन आप कंफर्म करना तो आपका उसका पैसा बच जाएगा। शिकारा राइड आपको 700 रुपीज़ को ही रुपीज़ ही देने हैं। 8 पॉइंट हम लोग को घुमाने का प्रॉमिस किया था, उसमें से हम लोग को 4 पॉइंट ही घुमाए थे, 4 पॉइंट भी बस ऐसे ही थे। तो हमारा वीडियो जाके देखो, हम लोगों ने 1500 रुपये दिए थे, 700 हम लोग को पता था, लेकिन हम लोगों ने 1500 रुपये दिए। वो क्यों, वो श्रीनगर की वीडियो ज़रूर देखना, और सभी जो सीरीज़ है वो देखना तो आपको पता चलेगा। सभी एक ही वीडियो में याद नहीं आता तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो उसके बाद श्रीनगर में हाउस बोट में आपको कोई भी चीज़ें खरीदनी नहीं है, जैसे कि केसर वहाँ पर फेक मिलता है, उसी के साथ साथ वहाँ पर वॉलनट वुड के शोपीस आपको बेचने के लिए लेंगे, लेकिन वॉलनट वुड का नहीं, वो नहीं होता। हमारे यहाँ पर जो शोपीस होते हैं वही वहाँ पर जाते हैं और वहीं पर वो लोग बेचते हैं वॉलनट वुड के नाम पर। काश्मीरी ज्वेलरी आपको वहाँ से बिल्कुल भी नहीं लेनी, वो स्टील की या लोहे की होती है, वो आपको काश्मीरी एंटिक ज्वेलरी बोल के बेच देंगे। तो फिर उसके बाद आता है सोनमर्ग, और सोनमर्ग के बारे में आपको क्या कहूँ, इतना इरिटेट हो गए थे हम लोग, इतना इरिटेट हो गए कि हम लोगों ने सोचा कि हम लोग सोनमर्ग क्यों गए, पैसे तो गए और शांति भी नहीं मिली, और ऊपर से घूमना भीमना मतलब बहुत ही मतलब बेकार एक्सपीरियंस था। तो हुआ यूँ था कि सोनमर्ग गए, पार्किंग में गाड़ी लगने से पहले ही बहुत सारे लोग आ गए। पूरे कश्मीर में वही प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग एकदम हल्ला बोल देते, ये ले लो वो ले लो ये सब कुछ। तो वो आए और हमारा कैब वाला बोला कि इसके आगे मेरी गाड़ी नहीं जाएगी। ओके, वो उसने वो बोल के वो साइड में हो गया। वहाँ पर उतरने के बाद स्लेज वाले आए, घोड़े वाले आए, फिर कार वाले बहुत ज़ोर ज़ोर से पीछे लगे थे कि कार ले लो कार ले लो कार ले लो। मैंने, हम लोग कार क्यों ले भाई, सोनमर्ग आए गए, सोनमर्ग फर्स्ट घूम ले आजू बाजू की प्लेस, उसके बाद कार लेंगे ना। तो नहीं, कार ले लो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखने के लिए कुछ भी नहीं है, बर्फ भी नहीं है, मैं आपको घुटने तक बर्फ तक दिखाऊंगा, आपको ग्लेशियर दिखाऊंगा, और आगे स्नोफॉल भी है, तो चलो ये वो। उन्होंने, हम लोगों ने सोचा कि शायद से ये पॉइंट ही नहीं है और आगे जाना होता है, ऐसे सोच के मतलब हम लोगों ने सिर्फ सोनमर्ग तक ही हम लोगों ने सोचा था, उसके ऊपर कुछ भी रिसर्च नहीं किया था। तो वहाँ पर उसने हम लोग का पूरा पूरा फ़ायदा उठाया, हम लोग कार से गए ग्लेशियर की लालच में, और हमारा कार वाला भी बोला था ना कि इससे आगे मेरी कार नहीं जाती, तो हम लोगों को लगा कि इसके आगे भी जाना होता है, मतलब वो हमारा एक बहुत स्टुपिडिटी की हम लोगों ने वो आगे गए। आगे गए, 4 पॉइंट थे, फिश पॉन्ड, दूसरा था फिश पॉन्ड मीन्स फ्रोजन लेक था, एक लेक था जिसमें फिशिंग होती है, तो वो फ्रोज हो गया था। उसके बाद था अपनी कौन सी यात्रा होती है, उसका हेलीपैड था, अमरनाथ की यात्रा का हेलीपैड था, और तीसरा था कश्मीर, कश्मीर मतलब कश्मीर का आखिरी गांव, और चौथा था ग्लेशियर। तीनों पॉइंट घुमाए, चौथे पॉइंट पर गए, और चौथे पॉइंट पर वही हाल, बहुत सारे लोग आ गए, स्लेज वाले आ गए और स्लेज करो बोल रहे थे। दूर हम लोग को एक जहाँ पर भीड़ थी वो दिख रहा था कि वो एक पॉइंट है करके, हम लोग को लगा वही ग्लेशियर है क्या, तो हम लोग नहीं मान रहे थे। तो हमारे जो ड्राइवर था उसको पता लग गया था कि हम लोग वो नहीं कर रहे हैं, तो वो बोला कि जल्दी करो तुम्हारे पास आधा घंटा है, और वो इतना बोल के चला गया। मैंने, तो आधा घंटे में हम लोग क्या घूमे, ये साइड माउंटेन आगे रास्ता बंद, वहाँ पर भी माउंटेन को समझ में नहीं आएगा। वो स्लेज वाला भी बोल रहा था हाँ हाँ आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं आपको 6 पॉइंट घुमाऊंगा जल्दी जल्दी। तो मतलब हमने बोला ठीक है, तो कितना, तो 2000 से 3000 रुपये। गाड़ी वाले ने भी हम लोग को 5000 से 6000 कोट किया था, लेकिन हम लोगों ने वो 2000 से 2500 में डन किया, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा है, आप तो सिर्फ 1 से 1.5 थाउजेंड ही देना उसके लिए। फिर उसके बाद 500 में हम लोगों ने स्लेज की, फर्स्ट पॉइंट पर गए जो माउंटेन पे था, उसमें तो हम लोगों ने चढ़ाई की, 1 किलोमीटर से भी कम था वो डिस्टेंस, वहाँ पर 2-3 इसके पत्थर के घर थे, वहाँ पे बोले कि तुम लोग यहाँ पर फोटो वीडियो खिंचा। जब से हम लोग स्लेज पर वो
पॉइंट पे बैठे तब से हमारे पीछे एक फोटोग्राफर आया था, उसने हम लोगों को कुछ भी देखने नहीं दिया, कुछ भी सूझने नहीं दिया। हर एक के कान में जाके उसे जो चुबा रहा था कि फोटो खिंचा लो फोटो खिंचा लो फोटो खिंचा, इतना इरिटेट कर दिया उसने कि हम लोगों ने बोला हाँ यार चल फोटो निकाल दे, 200 रुपीज़ फाइनल किए और फोटो उसने इतने गंदे निकाले, इतने गंदे निकाले। मेरी सानू भी अच्छे से फोटो निकालती है और परफेक्ट निकालती है, पता है वो 3 साल की बच्ची भी अच्छा फोटो निकालती है, इतने गंदे फोटो निकाले उसने। तो उसके बाद हम लोगों ने वो फर्स्ट पॉइंट होने के बाद मतलब हम लोगों ने ना वहाँ पर घूमने के बजाय ना बहुत बहुत मतलब अपने आप को दोष दे रहे थे कि क्यों आए क्यों आए, इतने इरिटेट हो रहे थे। और उसके ऊपर और एक बड़ा सा पत्थर गिरने वाला था हमारे ऊपर। उसके बाद स्लेज वाले के हमने बोला कि अभी हो गया हमारा 1 पॉइंट घूम के, अभी हम लोगों को दूसरा पॉइंट घुमा। उसने वही खड़े रह के दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा पॉइंट वही पे दिखा दिया। ग्लेशियर भी हम लोग को दिखाने कुछ नहीं, झगड़ा करने के बाद वो कुछ सुन ही नहीं रहा था, उसके फेस एक्सप्रेशन पूरा जीरो था, वो झगड़ने के मूड में भी नहीं था और सुनने के मूड में भी नहीं था। मैंने बोला कि लो हमने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, तो उनको बोल के क्या फायदा, जाना ही नहीं था। तो आप सोनमर्ग जाओगे तो बिल्कुल भी आगे जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं ग्लेशियर विशर कुछ नहीं दिखता। हमारे पापा वो पीछे थे वो आगे नहीं थे, तो उनको एक स्लेज वाला जाके बोला कि वो जाने दो वो तो उनको लूटे के ही, उनको बताना मत, मैं आपको 100 रुपीज़ में लेके जाता और आपकी फ़ोटो भी खिंचाता। मतलब ऐसा मतलब हर हर किसी ने ऐसी सिचुएशन तैयार कर दी कि हम लोग और आगे और आगे और आगे मत जाओ, वहीं पे घूमो, और आगे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा हम लोग गए थे गुलमर्ग, गुलमर्ग में भी हमारे कैवेलर ने हम लोग को तांगमर्ग में ही छोड़ा। तांगमर्ग 10 किलोमीटर पहले ही है गुलमर्ग के, और हमारा गाड़ी वाला बोला यहाँ से आगे मेरी गाड़ी नहीं जाएगी, वहाँ पर भी यूनियन बाजी है, वहाँ के लोगों को कमाना है, वहाँ की ही जीप जाती है, अगर आपकी पर्सनल गाड़ी होगी तो वो कहीं भी चली जाएगी, लेकिन जो टूरिस्ट की कार है वो वैसे ही अड़ा देते। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर आधा घंटा बिताने के बाद हम लोगों को वहाँ पर मिली एक जीप जिसमें ऑलरेडी 4 जन बैठे हुए थे, उन लोगों ने 4,000 रुपीज़ पे किया था, फिर भी शेयर के नाम पे उनको भी पता नहीं हमको भी पता नहीं, हम लोगों से 2,000 रुपीज़ लिए 10 किलोमीटर के, पर पर्सन 500 रुपीज़, जो हम लोगों को तांगमर फिर से छोड़ने वाला था। हम लोगों ने उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिया भैया, और वो उसने हम लोग गुलमर्ग के मार्केट तक छोड़ा, उसने हम लोग को गंडोला के टिकट काउंटर तक भी नहीं छोड़ा। वहीं पर हम लोगों ने किसी से एड्रेस पूछा, मेरे पास ऑलरेडी मैप था, वहाँ की प्रिपरेशन हम लोग करके गए थे, लेकिन ये भी अचानक से ही हो गया कि उसने छोड़ा ही नहीं, वो एक झटका था। उसके बाद हम लोग पूछ रहे थे कि ये टिकट काउंटर का, अरे मैडम जी मैं लेके जाता हूँ 3,000 ले लो, अरे मैडम मैं लेके जाता हूँ 2,000। जिसने हम लोगों को टांगमर से गुलमर्ग छोड़ा उसने ही हम लोगों को बोला कि 2,000 रुपये दे दो मैं आगे तक लेके जाता हूँ। फिर हम लोग ना नहीं, हम लोग गए गुलमर्ग में, आपको एजेंट आपको वहाँ पर एजेंट बिल्कुल भी नहीं लेना है, आपको वही अपना अपना घूमना है, टेबल पीस है वहाँ पर देखने के लिए कुछ नहीं है, आपको सिर्फ स्पोर्ट एक्टिविटी करनी है वो करो। उसके बाद हम लोग नीचे आए और हम लोगों ने वो कैब वाले को कॉल किया टांगमर छोड़ने के लिए, उसने कॉल नहीं उठाया, 1 घंटा हम लोग का वही गया, फिर उसके बाद दूसरी कैब करनी पड़ी, फिर हम लोग नीचे आए। तो आप गुलमर्ग में अपने कैब वाले को बोलो कि बाबा 500-1,000 रुपये ज्यादा ले ले, लेकिन हम लोग को गुलमर्ग तक छोड़ दे, जो जो टाइम जाता है 1.5 से 2 घंटा हम लोगों का कैब ढूंढने में ही गया जाने के लिए और आने के लिए। उसके बाद बहुत बढ़िया है प्लेस, बहुत सेफ है कश्मीर, और हर 1 किलोमीटर के बाद एक मिलिट्री मैन रहता है, तो वैसे कुछ टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, बस आप घोड़े वाले से बच के लेना पहलगाम में, आप 5-6 ऐसे कुछ भी कोट करते हैं आपको 500 पूरे कश्मीर में, आपको घोड़े वाले को सिर्फ 500 रुपीज़ ही देने हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। केशर आपको सिर्फ पहलगाम में ही खरीदनी है और अपने कैब वाले से कन्फर्म करना है कि मुझे आखिर के पॉइंट तक छोड़ रहा है कि नहीं, उसके बिना कैब बिल्कुल भी बुक मत करना। और एजेंट से बचने के लिए आप गुलमर्ग में भी एजेंट नहीं करना है आपको, और श्रीनगर में भी आपको ऑनलाइन बुक करना है, शिकारा के लिए 700 रुपीज़ ही देने हैं, और ये सब करोगे तो आपको बहुत अच्छी ट्रिप होगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इससे फायदा हुआ होगा, तो प्लीज़ मेरे मुझे कमेंट में बताइए, और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।